स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन जो कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड डिजीज़ जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने जो फॉर्म्स एंड वेरिएशन ऑफ जो कल्चर है उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था। एंड जो अपने कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड डिजीज़ जो है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन है बनने के बहुत चांसेस होते हैं, तो आपको इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ कल्चर्स एग्जिस्ट इन ओवर सोसाइटी। विद इन ईच कल्चर हैव देयर ओन कस्टम एंड ट्रेडिशन। जो प्रत्येक सोसाइटी होती है, समाज होता है, उसके अंदर कल्चर होता है, उसका अपना एक अस्तित्व होता है। एंड जो प्रत्येक सोसाइटी होती है उसमें अपना जो कल्चर एंड उसका अपना खुद ही ट्रेडिशन होता है, खुद का एक ट्रेडिशन होता है, रीति रिवाज होते हैं। तो जो अपना कल्चर है वो अब अपने जो हेल्थ एंड डिजीज़ जो हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। थ्री, दीज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस स्टार्ट इवन बिफोर बर्थ एंड ट्रेडिशन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ लाइफ। जो ये कस्टम होता है और जो ट्रेडिशंस होते हैं वो अपने बिफोर बर्थ यानी कि जो जन्म से पहले ही अपने के ऊपर लागू हो जाते हैं एंड कंटिन्यू रहते हैं जब तक अपनी डेथ ना हो जाए या लाइफ का जो एंडिंग टाइम ना निकल जाए। इवन आफ्टर डेथ यानी कि जो डेथ के बाद या मृत्यु के बाद भी अपने जो रिचुअल्स होते हैं, अपनी जो धारणाएँ होती है, आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड द कल्चर। जो अपनी कल्चर और जो कस्टम है या जो अपने रीति रिवाज है उनके आधार पर अपन को जो दफनाया जाता है या फिर उनको शमशान घाट पर जो भी प्रोसेस होती है वो सब अपने जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग होती है, वो भी आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद भी, यानी जन्म से पहले भी एंड जन्म के बाद भी अपने जो कल्चर है उसको फॉलो किया जाता है। द कल्चर प्रैक्टिस विथ हैव इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड डिजीज आर एज फॉलोअर्स। तो कल्चर की जो प्रैक्टिस होती है वो अपने हेल्थ एंड जो अपनी डिजीज़ है उसको किस तरीके से प्रभावित करती है। तो फर्स्ट वन जो पॉइंट है वो है एंटीनेटल न्यूट्रिशन, यानी कि जो बच्चा है उसके पैदा होने से पहले अपन को किस तरीके से रहना है एंड किस तरीके से जो मदर है उसको डाइट देनी है वो इस पॉइंट के अंदर अपन को दिखाया जाएगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेडीज़ आर एडवाइज नॉट टू टेक अनहेल्दी डाइट इन सम कल्चर, यानी कुछ कल्चर्स के अंदर जो लेडीज़ है उसको एडवाइस दी जाती है, उसको कहा जाता है कि आपको कोई भी अनहेल्दी डाइट है वो नहीं लेनी है जिसके कारण आपके जो बच्चा है उस पर कोई अफेक्ट पड़े या कोई डिजीज़ का शिकार हो। तो इस कुछ कल्चर के अंदर जो है मदर को बहुत ही सपोर्ट किया जाता है एंड उसको अनहेल्दी डाइट लेने से मना किया जाता है। लेकिन बहुत सारे कल्चर ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जो एक वुमन होती है उसको एक हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती है जिसके कारण उसके बच्चे पर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है एंड जो वो डिजीज़ के शिकार हो जाता है, जिसे अपन लो बर्थ वेट या LBW के नाम से भी जानते हैं, जिससे बेबी में बहुत सारे जो रोग जैसे मेरेस्मस है, प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है एंड जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, तो ऐसे बहुत से जो रोग होते हैं वो जो अपने जो बच्चे की सही तरीके से केयर न करने, मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मदर पे ध्यान न देने से और हेल्दी डाइट न देने के कारण फैल जाते हैं। तो अपने जो कल्चर है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने हेल्थ पर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रूप से अपन को अफेक्ट करती है। तो दिस सेड है विद द एस्पेक्ट दैट चाइल्ड बर्थ विल बी ईजी इफ द चाइल्ड इज स्मॉल साइज देन दिस अनहेल्थी प्रैक्टिस कैन कोज लो बर्थ वेट बेबी यानी LBW। तो यानी इसमें ये कहा गया है कि अगर चाइल्ड का जो बर्थ है वो अगर इजीली हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मदर है उसने जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छा खाना खाया है यानी कि हेल्दी डाइट ली है एंड अगर जो बच्चा है वो स्मॉल साइज़ के अंदर है एंड उसके अगर जो मदर है उसकी अनहेल्दी प्रैक्टिस थी खाने के अंदर या डाइट के अंदर, तो वो जो कोज कर सकता है लो बर्थ वेट बेबी, यानी कि अगर बच्चे का वेट है वो 2.5 kg से 3.5 kg के बीच में है तो उसमें अपन लो बर्थ वेट बेबी के नाम से कहेंगे। तो इसके लिए अपने जो कल्चर है उसमें बहुत सारे ऐसे आस्पेक्ट है जो कि अपने लिए अच्छे भी हैं और अपने लिए कोई आस्पेक्ट है जो कि जिनका कोई अपने रिलेवेंट नहीं है, यानी कि उनका अपने जो आगे से आगे कहीं तक उसका यूज़ भी नहीं है। तो कहीं जगह कल्चर है वो अपना अच्छा भी है, कहीं जगह अपना कल्चर है वो बुरा भी है। सेकेंड पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस। ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि
बच्चे के द्वारा जो माँ के द्वारा जो बच्चे को जो ब्रेस्ट फीड किया जाता है, यानी कि माँ के द्वारा जो बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है उसे हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, यानी कि बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ कल्चर के अंदर जो मदर इज़ नॉट अलाउ टू फीड द बेबी फॉर फर्स्ट 3 डेज, बट दिस इज़ इरिलेवेंट द हेल्थ ऑफ ड्यू टू न्यू बॉर्न बेबीज़। यानी कि बहुत सारे कल्चर्स के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है कि जो मदर है उसको जो प्रथम 3 डेज होते हैं, यानी कि जो बच्चे आफ्टर बर्थ जो 3 डेज होते हैं उसके अंदर बच्चे को दूध न पिलाने के लिए सलाह दी जाती है। जबकि ये कि इरिलेवेंट है, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ही नेसेसरी होता है, 6 महीने तक बहुत ही नेसेसरी होता है। और जो फर्स्ट वन जो दूध होता है या जो मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक इरिलेवेंट एक्सेप्शन है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फर्स्ट जो 3 डेज़ की अगर इसमें दे रखा है तो जो फर्स्ट 3 डेज़ है उसमें भी बच्चे को बच्चे की हेल्दी डाइट के लिए जो है वो माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक इरिलेवेंट फैक्टर है जो कि अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ है उसको उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये जो होता है ये अपने हेल्थ जो है डिजीज़ जो होता है उसका एक कारण है। थर्ड पॉइंट है सोशल कस्टम एंड हेल्थ है। सम सोशल कस्टम लाइक चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशंस ऑफ विडो मैरिज, वुमन स्पेसिफिक अनटचेबिलिटी, पॉलीगेमी मैरिज, डाउरी सिस्टम, एल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन एट्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर इल हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि कुछ सोशल कस्टम, यानी कि कुछ सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं, लाइक जैसे चाइल्ड मैरिज यानी कि जो बच्चे का विवाह, बाल विवाह, और प्रोहिबिशन ऑफ विडो मैरिज जो विधवा विवाह का निषेध होना, एंड वुमेन सेक्रिफिक अनटचेबिलिटी और छुआछूत, एंड पॉलीगेमी यानी एक मेल के द्वारा कई फीमेल्स के साथ मैरिज करना, एंड डोरी सिस्टम दहेज प्रथा, और एल्कोहलिज्म यानी कि ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करना, और ड्रग एडिक्शन यानी कोई भी नारकोटिक्स जो एडिक्शन करना, नारकोटिक्स जो है उसका प्रभाव होना, एंड अगर स्मोकिंग करना ज़्यादा है और जो ड्रग का एडिक्शन होना एट्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो ये जो सभी कारक है ये अपने हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करते हैं। तो कल्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे भी जो फैक्टर्स हैं वो अपने हेल्थ को जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से अफेक्ट करते हैं, जैसे ये बाल विवाह है, प्रोहिबिशन ऑफ विडो मैरिज, तो ये सभी जो होते हैं वो अपने जो हेल्थ है उसका कारण बनते हैं। फोर्थ पॉइंट है बिलीफ्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज़। तो अपनी जो बीमारियों के से रिलेटेड और स्वास्थ्य के रिलेटेड अपनी कौन सी भावनाएं, क्या क्या भावनाएं होती है वो भी अपने कल्चर के द्वारा ही अपने ऊपर अप्लाई की जाती है। मेनी पीपल्स आर बिलीव दैट डिजीज आर रिजल्ट ऑफ एंगर ऑफ गॉड। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना होता है कि जो भी डिजीज़ या कोई बीमारी अगर फैल रही है तो वो एक भगवान का गुस्सा है, जबकि ऐसा कोई कुछ नहीं है। अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसमें अपना ही कोई हाथ होता है, क्योंकि अगर अपन अपने जो स्वास्थ्य का अगर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी है उसका घर भी अपन खुद ही बनाते हैं और भगवान को दोष देते हैं, जबकि ऐसा कोई कुछ नहीं है। ये जो लोगों की एक रूढ़िवादी सोच है, चिकन फॉक्स एंड मेसल्स आर एपरियंस ड्यू टू डिसप्लेजर्स ऑफ शीतला माता। और कहा जाता है कि जो चिकन फॉक्स है वो मेसल्स जो होती है वो अपीयरेंस होती है जो शीतला माता है, यानी कि शीतला माता के गुस्से के कारण जो होती है उनका अपीयरेंस होता है बॉडी के ऊपर। और सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड विल रिजल्ट इन सेक्सुअल डिजीज़। यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान जो होता है उसका रिजल्ट होता है कि इसके द्वारा अपन को सेक्सुअल डिजीज़ होती है वो फैल जाती है चाइल्ड के अंदर, मतलब फैल जाती है, और चाइल्ड कैन बिकम सिक। अगर बच्चा अगर बीमार है ड्यू टू इवल आइज़, अगर उसकी आँखें अगर ख़राब है, सिमिलरली डेट इसी प्रकार अगर अपना इम्प्योर ब्लड है तो उसके कारण भी अपन को बहुत सारे जो होते हैं डिजीज हैं उसका सामना करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है इन्वायरमेंट कल्चर फैक्टर। तो कच्चा हाउस, लेस नंबर्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज इन ए हाउस, डेफिकेशंस इन ओपन ग्राउंड एंड अनसेफ इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ द पर्सन्स। मोस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू रूरल लाइफ। तो गांव के अंदर अगर जो गांव है गांव के अंदर अक्सर जो
आदमी होते हैं वो कच्चे मकानों के अंदर रहते हैं, एंड उसमें जो विंडो की सुविधा भी कम होती है, यानी हाउस में विंडो कम होती है, डोर भी एक ही होता है, एंड डेफिकेशन यानी जो सोच की व्यवस्था होती है, अक्सर जो लोग होते हैं गाँव के अंदर या रूरल एरिया के अंदर जो लोग होते हैं वो खुले में सोच करते हैं, एंड अनसेफ इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ द पर्सन। तो जो लोग हैं तो लोगों की इन्हीं गलतियों की वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खुले में सोच करने से भी बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो फैलती है, एंड जो विंडो के कम होने से एंड जो डोर है दरवाज़ों के कम होने से भी बहुत सारी ऐसी जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनका फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये अक्सर रूरल एरिया के अंदर ही पाई जाती है। तो ये भी जो अपने अगर अपन कच्चा मकान बना रहे हैं उसमें अगर कम खिड़कियाँ रखने हैं, कम दरवाजे रखने हैं, तो उसमें अपन कल्चर का भी इसमें योगदान रहता है, क्योंकि कल्चर होता है उसके दौरान अपन जो कौन सा दरवाज़ा किस तरह रखना है ये भी अपन कल्चर के अकॉर्डिंग ही तय करते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो ज़्यादातर होते हैं वो चीज़ें धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा ज़्यादा विश्वास किया जाता है, एंड जो खिड़कियों का दरवाज़ा कौन सी दिशा में रखना है ये सब चीज़ें जो होती है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही तय की जाती हैं। और सिक्स फैक्टर है फूड हैबिट्स, मेनी फूड हैबिट। अब फूड हैबिट्स की बात करें तो फूड हैबिट्स जो होते हैं उसमें नॉन वेजिटेरियन, जैसे फूड हैबिट्स की अगर बात करें तो फूड हैबिट्स जो होते हैं वो अपने बॉडी को, अपन को पता है कि अगर अपन अच्छा फूड यानी कि डाइट लेंगे तो अपनी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी, एंड अगर अपन जो भोजन है वो अगर सही तरीके से अच्छा सेवन नहीं करेंगे तो उससे अपन के जो बीमारियों का घर हो जाएगा और बीमारियाँ अपने को कोस हो जाएगी। तो मेनी फूड हैबिट्स लाइक वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोहिबिशंस ऑफ रूट्स, प्रोहिबिशंस ऑफ फूड इन नाइट बाथरूम बिफोर मील एंड नॉट कुकिंग ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुएशन पीरियड, हाउस वाइफ ईटिंग फूड एट लीस्ट एटसेट्रा एट लास्ट। मेनी फूड हैबिट्स यानी बहुत सारी जो फूड हैबिट्स लाइक जैसे वेजिटेरियन है यानी कि जो एक कोई बंदा का शाकाहारी है एंड कोई मांसाहारी है तो उसकी जो अलग अलग हैबिट्स होती है खाने की, एंड प्रोहिबिशन ऑफ रूट्स जो जड़े वाले यानी कि शकरकंद है, ऐसे जो भी जो गाजर है, ऐसे जो भी रूट्स वाले जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल होते हैं उनका सेवन करना, एंड प्रोहिबिशंस एंड मतलब सेवन करने का करने को निषेध होना, एंड प्रोहिबिशन ऑफ फूड इन नाइट तो जो शाम का भोजन है उनको उनको न मतलब शाम का जो भोजन है उसको न करना, एंड जो मील यानी भोजन से पहले बाथरूम जाना, एंड अगर कोई मैं जो वुमन है कोई वुमन है अगर उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है तो उसके दौरान उसको कुकिंग न करने के लिए मना किया जाता है, एंड हाउस वाइफ ईटिंग फूड एट लास्ट। और जो हाउस वाइफ होती है यानी जो वाइफ है तो जो महिला है उसको लास्ट के अंदर भोजन, महिला जो होती है वो लास्ट के अंदर भोजन करती है। तो ऐसी बहुत सारी जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं जो आज भी चल रही है कि जो महिला है उस वो लास्ट के अंदर भोजन करती है, तो ये एक अंधविश्वासी और बहुत ही ख़राब जो है एक कल्चर के अंदर एक्सेप्शन है। दे ऑल आर अफेक्ट ओवर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो होती है ये अपने इंडिविजुअल्स है उसको जो इंडिविजुअल्स है उसकी हेल्थ है उसको अफेक्ट करते हैं। नो प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ गर्ल चाइल्ड, और जो गर्ल चाइल्ड है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलने के कारण भी बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसका सामना करना पड़ता है। इन सम ऑफ कल्चर्स इट इज़ द प्रैक्टिस दैट लेडीज़ वुमन या गर्ल जो होती है चाइल्ड विल ईट द लेफ्ट और फूड इन फैमिली एंड दे आर इवन नॉट प्रोवाइडेड विथ एडुकेट डायरेक्ट विच कैन कॉज माल न्यूट्रिशन वार्म इन्फेक्शंस एंड डिक्रीज इम्यूनिटी। तो कुछ जो कल्चर होते हैं उनके अंदर जो लेडीज़ होती है या जो गर्ल्स होती है उनको वो जो होती है भोजन अगर करने के एटलीस्ट जो लास्ट में भोजन करती है, यानी अगर परिवार के अंदर सब जने अगर भोजन कर चुके हैं तो उनके लास्ट के अंदर ही जो महिला होती है या जो गर्ल होती है वो भोजन करती है, और जिसके कारण वो जो लास्ट में भोजन करने से उसमें वो सारी जो उस समय तक उसे भूख का सामना करना पड़ता है। इवन इस तरीके से जो ये जो चीज़ें होती है छोटी छोटी चीज़ें होती है इनके कारण जो माँ है या फिर कोई मदर है गर्ल है तो उसके अंदर माल न्यूट्रिशन और वार में इन्फेक्टेशंस एंड डिक्रीज इम्यूनिटी, तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब एट जो फैक्टर है वो है बाथिंग यानी नहाना।
देर आर ओकेजन्स वेन द बात आर फिक्स्ड, यानी बहुत सारे जो ओकेजन या जो अवसर होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं उनके ऊपर नहाना बहुत ही जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। जैसे होली, दीपावली, वैसाखी एंड वुमन हैव टू टेक बाथ आफ्टर मेंस्ट्रुएशन फॉर प्रिफरिंग देम सेल्फ। तो बहुत सारे जो ओकेजन होते हैं उनके ऊपर नहाना फिक्स होता है, जैसे होली, दीपावली, वैसाखी होती है, राखी है, उसमें उनको नहाना एक फिक्स होता है। वैसे ही वो एक वुमन होती है, अगर उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड कंप्लीट हो गया यानी आफ्टर मेंस्ट्रुएशन पीरियड, उसको प्योरीफाई होने के लिए भी नहाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है कल्चर के अंदर। अकॉर्डिंग टू रिलीजन इवन प्रिस्ट एडवाइज सेरेमोनिकल बाथ आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, दिस बाथ्स आर अपार्ट फ्रॉम रेगुलर बाथ है। तो जो अपने रिलीजन यानी अपने धार्मिकता के आधार पर जो प्रिस्टेज है पुजारी एडवाइस देता है कि अगर चाइल्ड बर्थ होने के बाद जो महिला है उसको सेरेमोनिकल बाथ या उसको नहाना सेरेमोनिकल जो बात है या जो स्नान है करना जरूरी होता है। दिस बाथ आर पुट पार्ट ऑफ रेगुलर लाइफ, और ये जो बात है या जो स्नान है ये अपने रेगुलर लाइफ ही है, जो दैनिक जो लाइफ है उसके लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ब्राइडल शोवर्स विच इज़ परफॉर्म मेरी बिफोर मैरिज इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशंस विच इज़ हैंडेड डाउन टू मॉडर्न ब्राइड्स। तो जो अपनी जो दुल्हन होती है उसका जो स्नान होता है वो बिफोर मैरिज मैन मैरिज से पहले उसको स्नान करवाया जाता है। ये एक अपने जो ट्रेडिशन है उसके अंदर इम्पोर्टेंट और ज़रूरी माना जाता है। बाथिंग इज़ ए गुड ट्रेडिशन, जो नहाना है एक अच्छी परंपरा है फॉर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करने में, सो एज़ द प्रिवेंट अक्रेंस ऑफ सर्टेन डिजीज़, और इसके द्वारा अपने जो बहुत सारे जो डिजीज़ है उससे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। नाइन्थ जो पॉइंट है वो है नेल केयर। नेल केयर आर कट बाई मैन एंड वुमन बट ऑन सर्टेन डेज ओनली, सच एज संडे, मंडे, वेनजडे, फ्राइडे। अपने कल्चर के अंदर जो नाखून है काटने के भी या कुछ डे हैं जो फिक्स किए गए हैं मैन एंड वुमन के लिए, जैसे कि सोमवार जो संडे है एंड मतलब कि रविवार, सोमवार, वेनेसडे, बुधवार एंड फ्राइडे जो है गुरुवार के दिन, ऐसा है जो फिक्स किया गया है कि इसी दिन अपन को नाखून को कट करना है। ये अपनी परंपरा एंड अपनी जो कल्चर है उसमें शो किया गया है। तो ये जो चीज़ें होती है ये अपने जो स्वास्थ्य है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करती है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपना जो कल्चर है वो अपने हेल्थ को किस तरीके से प्रभावित करता है, जो डिजीज़ है उनको भी किस तरीके से अपन को प्रभावित करता है। तो आपको उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एंड थैंक यू, धन्यवाद।